Hi, this is Sana Khan and you're watching Expose India. पुलिस मुठभेड़ में 2 लाख का इनामी बदमाश आसूर परवीन के साथ 25,000 रुपए के इनामी 2 अभियुक्त और उनका एक साथी गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल, चोरी की बाइक, अवैध असलाहा और कारतूस बरामद किया गया है। मुठभेड़ सूचना मिली थी कि मिर्ची गैंग के कुछ अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस सूचना पे थाना सियानीगेट पुलिस द्वारा राजनगर एक्सटेंशन चौराहे पे चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच संदिग्ध अवस्था में 3 बाइक सवार आते दिखाई दिए। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया, उनका पीछा किया गया तो मोटी तिराहे से भोवापुर के पास उनके द्वारा दोबारा फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ उन पे फायरिंग किया गया, जिसमें 2 व्यक्ति जिनका नाम विकास फौजी और कामिल बताया जा रहा है, जो मेरठ के रहने वाले हैं, इन्हें गोली लगी है, तथा साथ ही इनका एक अन्य व्यक्ति अमरपाल जिसका नाम बताया जा रहा है, वो भी गिरफ्तार हुआ है। इनके कब्जे से 315 बोर के 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, थाना सिहानी गेट में लूट की 1 मोबाइल और कविनगर से चोरी की 1 बाइक बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक घटना गाजियाबाद के सिहानी गेट की है, जहां पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ के दौरान मिर्ची गैंग के लीडर 2 लाख का इनामी आसूर परवीन और जिला गाजियाबाद कारागार में निरुद्ध भोलू के साथी विकास फौजी, कामिल और अमरपाल, जिनके द्वारा पूर्व में थाना कविनगर से 1 कारोबारी का अपहरण किया गया था, जिसमें फिरौती के रूप में 1 करोड़ रुपए मांगे गए थे और 36,000 रुपए वसूल किए गए थे। मुखबिर के द्वारा सूचना मिली की 25,000 के इनामी विकास फौजी, कामिल और उनका साथी अमरपाल किसी घटना घटित करने के इरादे से गाजियाबाद आ रहे हैं। सूचना पर राजनगर एक्सटेंशन चौराहे के पास चेकिंग की गई तो सामने से आ रहे 3 मोटरसाइकिल सवारों को रुकने के लिए कहा गया, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग कर भागना चाहा, जिसमें पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई तो विकास फौजी और कामिल को मुठभेड़ के दौरान गोली लग गई। वहीं दूसरा बदमाश अमरपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान हेड कांस्टेबल इरशाद भी घायल हो गया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।